नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। किन्नर समुदाय में क्षेत्र और नेक की उगाई को लेकर अक्सर अलग अलग गुटों के बीच झगड़ों की खबरें आती रहती हैं। ऐसा ही मामला रतलाम का सामने आया है। किन्नर गुरु गोरी बाई का गंभीर बीमारी के चलते विगत दिनों निधन हुआ और किन्नर गुरु गोरी बाई ने वसीयतनामे में अपना उत्तराधिकारी जफर को नियुक्त किया। इसके बाद जागीरी और मकान पे कब्जे के लिए दूसरे गुट के किन्नरों ने जफर और उसके साथी अन्य किन्नरों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने के साथ साथ मारपीट कर डाली है। साथ ही इलाके में दिखाई देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। सबको जय माता दी। मैं मेरे गुरु की सामने वालों की शिकायत कर रही हूँ। मेरे गुरु सामने वाले कौन? पूनम नायक और उनका चेला जेरीली, जेरीली काजल। ये मेरे को, मेरे गुरु शांत हो गए तो उन जबरदस्ती घर पे हत्या ली है, बस्ती हत्या ली और मुझ पर मारपीट करके बाहर मतलब बन बन भटक रही हूँ। ये काहे के लिए कर रहा है ऐसा, मारा कुटी क्यों कर रहा है? कर रहे हैं कि मतलब अपने मेरे गुरु की जो जागीरी मुझे वसीयत में देखे गए वो जागीरी के लिए और घर के लिए कर रही है ये। और जब तक मेरे गुरु जिंदा थे तो जब तक इनने पूछ भी नहीं है वहाँ घर तक नहीं आते थे, और उनके जाने के बाद ये मेरे पे इतने जुलुम धारे, इतना आरोप लगा रहे। जो कितने टाइम से आप आपके गुरु के साथ? मेरे गुरु के साथ आज 15 से 20 साल हो गए। ना कोई शिकायत, ना कोई कुछ भी, हमारे में भेदभाव नहीं, सब अच्छा। सुनने में आ रही है कि आपने आपके गुरु की हत्या करी है, तो इसमें क्या सत्य था? ये सब झूठ है। मैंने मेरे गुरु की सब अच्छे से सेवा करी है। सब मोहल्ले वाले, कॉलोनी वाले जहाँ हम घूमते थे एरिया में, वो सब जानते कि मैं उनको लेके साथ जाती थी। वो तो अभी मतलब चलने से लाचार हो गए। तो आप ही के लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं, तो ये किस वजह से लगाना? ये इस वजह से लगा रहे कि हमारी जो जागीरी रहती, जो हमारे एरिया रहते कि गुरु दे के जाते सब चेलों को, तो वो मेरे गुरु मेरे वसीयत और बस्ती नाम करी थी तो उसके लिए वो करते। आपके गुरु के और कितने चेले थे? मेरे गुरु की सिर्फ मैं ही हूँ। आप अकेली? हाँ, मैं अकेली। अच्छा, और कोई भी नहीं रहता साथ? और कोई देते थे मेहमानों को त्योहार वार पे बुला। और ये जो सामने वाले हैं आप पे आरोप और आप पे क्यों लगाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं ये लोग? ये यही लगाना चाहते थे कि मतलब ये छोड़ दे और ये चली जा। छोड़ क्या दिया मतलब? ये मतलब घर छोड़ दे, बस्ती छोड़ दे, जो आपके गुरु का दिया हुआ वो छोड़ दे। हाँ, वो जो गुरु का दिया हुआ है वो छोड़ दे। अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं यही चाहती हूँ सबसे, थाने वालों से, सबसे, जनता से कि मेरा इंसाफ करा जाए। आपने ये शिकायत दी आपने? हाँ, मैंने सब। आपने आपकी सच्चाई बतलाई? हाँ, बतलाई है। किसको बतलाई? सब जगह दी है, जहाँ जहाँ मैंने कागज दिए। अब क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहती हूँ कि मेरे को इंसाफ चाहिए और मतलब कड़ी से कड़ी जांच हो, ने जांच करे। कहाँ कहाँ शिकायत दे दी आपने? कागज अपने सब जगह दी। शिकायत कहाँ कहाँ दी आपने? IG, SP भोपाल सब जगह दी है, थानों सब जगह दी। अब क्या चाहती है पुलिस प्रशासन से आप? यही चाहती हूँ कि जो सही है उसका फैसला करे और साथ दे उसका। क्या चाहते हैं अब आप? अब मैं यही चाहती हूँ थाने वालों से, अनुराग यादव जी से, के मतलब जो भी है। कौन है अनुराग यादव जी? वो था माणक चौक थाने के, वो है सर। तो मैं यूँ चाहती हूँ कि वो बारीकी से जांच करे और जो भी जो है फैसला और जो भी कानूनी कार्रवाई से। आपके गुरु को कोई बीमारी वगैरह भी थी क्या? मेरे गुरु को बीमारी थी, उनको HIV था। और उसकी कोई मेडिकल रिपोर्ट वगैरह? सब है मेरे पास, सब कागज है। ये दिखाई आपने थाने पे दी? सरकारी हॉस्पिटल की। अच्छा अच्छा, सब है, सब है मेरे पास। और मैं ही गोली दवा लेने जाती थी उनकी। अच्छा, इनकी जो मौत हुई है ये साधारण ही हुई है? मतलब ये साधारण हुई है, उनके मतलब शरीर अंग रोग था, जैसे तकलीफ में थे तो उससे ही हुई है और कुछ भी नहीं है। जो सामने वाली पार्टी है पूनम और जेरीली, ये क्या है कि मतलब रच रही है, मतलब कुछ षड्यंत्र रच रही है, षड्यंत्र रच रही है। और मतलब ये आपको फंसाने के लिए, है ना? मतलब ये सब मैं छोड़ दूं, ने सब छोड़ छुड़ा के जो मेरे गुरु जागीरी नाम, मतलब ये प्रॉपर्टी के लिए कर रही है सब, हाँ, है ना? अब आप क्या चाहती हैं पुलिस से, आप ये बताइए कि अनुराग जी के हाथ में है सब केस, तो वो कड़ी से कड़ी बारीकी से जांच करे और जो भी है देखे अपने। नाम क्या आपका? मेरा नाम काजल है। दरबार जी, आप पे भी कुछ आरोप लग रहे हैं, आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हैं?
हाँ, मुझ पर जो आरोप लगाए हैं कि जो ये दरबार सूलो दरबार करके बोल के जो आरोप लगाया गया मुझ पर कि ये भी जफर उर्फ काजिल के साथ पे था जो इनके गुरु को नशा वगैरह की कुछ देता था, ये सब गलत है। एक्चुअल में जो भी है उनको HIV। आप क्या करते थे उनके वहाँ पर? ड्राइवर था, उनकी गाड़ी चलाता था। बीमार, काफी बीमार रिहा करते थे? बीमार थे साहब, उनका क्या बीमारी थी? सब में इलाज कराया गया था और फिर लास्ट में सरकारी हॉस्पिटल में सभी डॉक्टर ने बोला था कि इसका सिर्फ एक ही इलाज होता है जो सरकारी अस्पताल में होता है AIT सेंटर द्वारा, जो इसकी दवाई गोली दी जाती है। अच्छा, उसी से होता है। फिर भी गुरु टाइम से नहीं लेते थे, इसी कारण उनका स्वास्थ्य ज़्यादा बिगड़ते 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 ज़्यादा बिगड़ गया और वो अपने देवलोक को आगमन हो गए। अच्छा, और जो भी मेरे पे ये अपराध लगा रहे हैं, ये बेबुनियाद है, सब गलत है। ये पूरी जो भी उनका एरिया है गुरु का, वो सब जानते हैं कि दरबार उनकी गाड़ी चलाता था। मैं आज से नहीं, काफ़ी समय से उनकी गाड़ी चला रहा हूँ और उनकी कम से कम 6 से 7 गाड़ियाँ मैंने लेन देन वो मुझसे ही कराते थे। क्या चाहते हैं बाप? मैं न्याय चाहता हूँ साहब। जो मेरे को, मैं उनकी एक तरफ से सेवा भी करता था, उनकी गाड़ी भी चलाता था, वो मुझे सैलरी भी देते थे जिससे मैं मेरा घर का घर पोषण भी कर सकता था। लेकिन जो ये अपराध जो मुझ पर लगाया गया है, मुझे पूरे एरिया के अंदर बदनाम किया गया है इस मीडिया के जरिए, ये सब गलत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दरबार है, यूँ तो मुझे लक्की दरबार बोलते हैं। कर लो, बोलो कहीं कही जाए या काजल बेटी है। हाँ, कहीं कहीं ना गुरु, ये सब बैठे हुए यहाँ, सब बैठे था, सब यही है। हो जाओगे अच्छे तुम, है ना? हो जाओगे अच्छे क्या? हाँ, हो जाओगे अच्छे। बुखार की वजह से तो लग रहा है, बुखार की वजह से लग रहा है। तुमको चालू कर दो? नहीं नहीं, फिर ना क्यों ना क्यों, 1 मिनट 5 मिनट में कर, नहीं कर, नहीं कर, अभी हो जाओगे, फिर चलेंगे अपने ना। तुम नहीं भी करवा मणि करे वो वेची दियो, आज का था 3-4 साल भी क्या पटड़ी कनक में बटे धरी मा चुदा। नाम पत्र में लिखता रहूँ फिर, है ना, फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।